Hey guys, a very warm welcome to all of you. Very good evening to all. I hope कि आप सबकी preparations ठीक चल रही होंगी और मैं राम फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार दोबारा से इस लाइव सेशन में अड्डा 247 के इस लाइव सेशन में. फटाफट आ जाइए, फटाफट रहिए. जो भी लोग जुड़े हुए मुझे देख पा रहे हैं फटाफट एक बार आ जाएं. और 15 अगस्त आने वाला है, कल ही जन्माष्टमी गई है और छुट्टियां एक के बाद एक छुट्टियां, और छुट्टियां मतलब ऑफर्स. जी हाँ, एक के बाद एक छुट्टियां और छुट्टियां मतलब ऑफर्स. तो मैं अभी आ गया हूँ आप लोगों को बताने के लिए यूपीएससी बुनियाद बैच के बारे में, या जिसको हम कहते हैं एनसीईआरटी बुनियाद बैच के बारे में. ओके ओके, जो मुझे देख पा रहे हैं आप सबका वेलकम है. यस यस, एक बार फटाफट रिप्लाई कर दीजिए. मेरी आवाज आ रही है क्या, और आप सबको स्क्रीन दिख रही है क्या क्लियर? क्या आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अड्डा 247 को? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है ठीक है. चलिए तो अभी अभी हम लोग मैं बता बुनियाद बैच के बारे में. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जस्ट एक हफ्ता पहले जी हाँ, 5 अगस्त को वेलकम शिवम, वेलकम. ठीक है, अभी 5 अगस्त को ही यूपीएससी का रिजल्ट आया है और उसमें आप सब ने देखा है, टॉपर्स वगैरह के बारे में सुना होगा और आप सबका मोटिवेशन बहुत हाई होगा. तो इस हाई मोटिवेशन का बेनिफिट लीजिए आप सब. जी हाँ, इस हाई मोटिवेशन का बेनिफिट लीजिए. ओके वेलकम टू, बहुत सारे व्यूवर्स जुड़ गए हैं. हेलो उर्वशी. तो देखिए, आप सब ने देखा होगा कि उस रिजल्ट में फर्स्ट की लिस्ट में ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं, रूरल इंडिया से हैं, और उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है. इवन प्रदीप सिंह है, वो भी रूरल इंडिया से हैं. कल ही मेरी बात हुई है रैंक 232 रिंकू जी से. रिंकू भी इस बार आईपीएस उन्होंने क्रैक किए, पढ़े हुए थे. इससे पहले मैंने आपको रैंक 44 आशुतोष कुलकर्णी के बारे में बताया था, सेम एज रैंक 149 यानी कि सनी गुप्ता के बारे में बताया था, जो लास्ट ईयर आईआरएस थे और इस बार जिन्होंने आईपीएस सिक्योर किया है. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेलकम अजय. तो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको यूपीएससी बैच के बारे में. आपको सिर्फ इतना करना है, adda247.com पर जाना है. वहां पर ये आपको सर्च बार दिख रहा होगा, इसमें आप सर्च करेंगे एनसीईआरटी बुनियाद. इतना आपको केवल लिखना है और आपको यहाँ दिख जाएगा एनसीईआरटी लाइव क्लासेस फॉर यूपीएससी स्टेट पीएससी एसेट्रा एसेट्रा. क्यों लेकर के आए हैं हम लोग ये बैच और मैं क्यों उसका प्रमोशन करने यहाँ पर आया हूँ, थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में. आप सबने सुना होगा कि जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होती हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सरकारी परीक्षा हो, उसका आधार, उसका बेस क्या होता है? उसका सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस. ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन तब भी बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप सबको ध्यान रहे. अगर आपका जीएस पर अच्छा कंट्रोल है, अच्छा पकड़ है, तो आप इजीली कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. जो मुझे देख पा रहे, ओके विजय वर्मा, अड्डा पर बैच लेना एसेट्रा एसेट्रा. विजय, ऐसा कभी नहीं है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्त. मुझे नहीं पता कि आपने कौन सा बैच लिया और क्या इशू है. कोई भी अगर इशू है तो आप support@adda247.com पे मेल करिए. ठीक है, ऐसे कमेंट करके आपको बिना मतलब की बातें नहीं करनी चाहिए. ठीक है, आपके साथ कुछ ऐसा लगता है कि आपने कोई बैच लिया और आपको बेनिफिट नहीं मिला तो आपको उसके बारे में बताना चाहिए. खैर, मैं अभी एनसीईआरटी बुनियाद बैच के बारे में बताने वाला हूँ. तो जैसा कि मैं कह रहा था अभी कि एनसीईआरटी इज द बेस ऑफ ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, इज द बेस ऑफ जीएस, और इसीलिए एनसीईआरटी के सबसे प्रसिद्ध टीचर, एनसीईआरटी गुरु या जीएस गुरु के नाम से फेमस रविंद्र सर हमारे साथ आ गए हैं लाइव बैच लेकर के. जी हाँ, ऑनलाइन का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म अड्डा 247 और मुखर्जी नगर दिल्ली का सबसे प्रतिष्ठित एनसीईआरटी संस्थान रविंद्राज आईएएस या रविंद्राज आईएएस जीएस एनसीईआरटी जिसके नाम से वो फेमस है, ये दोनों संस्थान एक साथ आ गए हैं. उन्होंने पार्टनरशिप की है, आप देख पा रहे हैं, और इनका एक शानदार बैच आ गया है, एनसीईआरटी बुनियाद बैच. यस, इट्स द एनसीईआरटी बुनियाद बैच. ठीक है, और इस बैच की विशेषता क्या है? इस बैच की विशेषता है कि इसमें बिल्कुल बेसिक से चीजें क्लियर की जाएंगी. ठीक है, आपने चाहे इस बार 12th किया हुआ हो या आपका बैकग्राउंड साइंस का रहा हो, कॉमर्स का रहा हो और आपको यूपीएससी देने की इच्छा हो, आपको 2021 में यूपीएससी देना हो, या फिर आपने पहले सिविल्स दिया है लेकिन आपको कोई सफलता नहीं मिली, आपको लग रहा है कि देयर आर सम प्रॉब्लम विद बेसिक, फंडामेंटल्स के साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो ये बैच आपके लिए है. एनसीईआरटी बुनियाद बैच आपके लिए है. मैं पहले आपको बताऊं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी, तो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, मैं दोबारा बोल भी देता हूं. एनसीईआरटी बहुत
बेस्ट और सिंपल तरीका होता है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कूल बुक्स होती हैं। जी हाँ, जो किताबें स्कूल में प्रयोग की जाती हैं वो किताबें होती हैं एनसीईआरटी। इसलिए ये बहुत ऑथेंटिक होती हैं, कंसेप्ट को बनाने के लिए होती हैं और ये बहुत कंसाइज वे में लिखी जाती हैं, बहुत सरल और कम शब्दों में लिखी जाती हैं। आपने सामने से किसी ने नीट की तैयारी की होगी, जी की तैयारी की होगी, सब क्या बोलते हैं, भैया पहले एनसीईआरटी पढ़ो। आपने आईएएस के टॉपर से सुना होगा, भैया पहले एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, अपना बेस मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी पढ़िए। तो वही बात मैं भी यहाँ पर कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी का कंप्लीट बैच आ गया है। विशेषताएं बैच की 6 महीने का बैच है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, जो पांचों सब्जेक्ट जीएस के होते हैं मेन, वो पांचों सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। अराउंड 2,250+ घंटों का कंप्लीट कोर्स रहने वाला है। इंटरैक्टिव वीडियो क्लासेज है, यानी कि लाइव क्लासेज चलेंगी, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आप वहां पर लगातार चीज आकर के पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि लगभग सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में यूपीएससी, स्टेट पीएससी, सीडीएस, सीपीएफ, एनडीए, एसएससी, रेलवे, पुलिस, एसआई और टीचर्स के एग्जामिनेशन, उन सब में आप देख सकते हैं कि जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं अराउंड 60% to 70% क्वेश्चन डायरेक्टली होते हैं कहाँ से, एनसीईआरटी से। तो इसलिए हमें बैच आपके सामने लेकर के आए हैं, मात्र 8,249 का बैच अभी आपको दिख रहा है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है व्यू ऑफर्स, अगर आप ऑफर्स लगाते हैं आपको केवल व्यू ऑफर्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर 25% भारत का ऑफर, आप जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे, जय अप्लाई किया, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इसकी फीस हो गई 6,186 रुपये। जी हाँ, 20,000 का बैच था जो चल रहा था पहले से ही, उस पर अभी भारत ऑफर चल रहा है, 15 अगस्त हमारे सामने है, ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग 74th आने वाले हैं भारत देश के आज़ाद होने के 15 अगस्त को, और उसी को ध्यान में रख करके 8247 25% भारत ऑफर लेकर के आया है, ठीक है, और 20,000 का बैच 1,186 रुपये में आपको अवेलेबल हो रहा है। ओके, गुड आफ्टरनून कृष्णा, आप सबका स्वागत है। मैं आपको बता रहा था एनसीईआरटी के बारे में, यूपीएससी, एनसीईआरटी, पीएससी, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपके डाउट्स हैं, आप यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उनको लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस बैच के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, पाँचों चीज़ें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर की जाएगी, बहुत ही डिटेल्ड में कवर की जाने वाली हैं, फ्रॉम बेसिक से लेकर के आप यूपीएससी एडवांस लेवल पर जाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि सारी क्लासेस कौन लेने वाले हैं, रविंद्र सर लेने वाले हैं, ठीक है, जो फेमस है एनसीईआरटी गुरु के नाम से। और शिवम का क्वेश्चन है, वेरी कॉस्टली सर। हाँ शिवम, थोड़ी सी कॉस्ट तो आपको ज़्यादा लग सकती है, लेकिन अगर आप इसको ऑफलाइन से कंपेयर करेंगे या इसकी एक्चुअल फीस से कंपेयर करेंगे तो ये आपको बहुत कम लगेगा। मैं फिर से बता दूं कि ये उन बैचेस की तरह नहीं है जहाँ पे आपको हम बुक्स पढ़ाने वाले हैं, 6ठी से लेकर के 12वीं तक हम सारी एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं, पर आपको हम बुक रीडिंग नहीं कराने वाले हैं, वो तो आप खुद भी कर सकते हो अगर आपने 12वीं पास किया है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो बुक रीडिंग आप में से कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो हम बुक्स नहीं पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए बैच है। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ और मैं हर क्लास में इस बात को रखता हूँ। डू यू नो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम? डू यू नो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड स्टेट? क्या आपको राष्ट्र और राज्य की अवधारणा के बारे में पता है, राष्ट्र और राज्य में अंतर पता है? क्या आप लिबर्टी और फ्रीडम में अंतर जानते हैं? इवन डू यू नो वॉट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी? वॉट इज गवर्नमेंट? क्या होती है सरकार? ऐसे तमाम चीजें जिसके बिना आप यूपीएससी मेंस नहीं लिख सकते, जिसके बिना आप स्टेट पीएससी मेंस नहीं लिख सकते, ठीक है, उन सब चीजों को हम कवर करने वाले हैं और साथ ही सारे अपडेटेड फैक्ट्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इस बैच को हल्के में मत लीजिए, बहुत शानदार बैच है ये, और किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच है। इवन बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं अगर एक बार एनसीईआरटी पे आपकी पकड़ बन गई है फिर तो बाकी सिलेबस तो आप, अगर आपके पास हार्ड वर्किंग और प्रॉपर स्ट्रेटजी है तो फिर भी आप कवर कर सकते हो अपने सेल्फ स्टडी से भी, लेकिन एनसीईआरटी की भी अगर आपका कवर नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द बैच, आपको कुछ नहीं करना है, 8247.com पे जाना है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है एनसीईआरटी बुनियाद, या फिर यहाँ पे केवल आप अगर बुनियाद भी लिखेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, एनसीईआरटी लाइव ऑनलाइन क्लासेज, बस इस पर आपको क्लिक करना है।